दोस्तों, यह कहानी विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र नामक कथा ग्रंथ से ली गई है। बहुत ही रोमांचक कहानी है। किसी स्थान पर जीर्ण धन नाम का एक बणिए का पुत्र रहता था। वह धन के हीन होने पर, अर्थात निर्धन होने पर, दूसरे देश में जाने का विचार करता है और सोचता है कि जिस देश में मैं धनवान रहकर मैंने भोगों को भोगा है, उस देश पे निर्धन रहकर मुझे नहीं रहना चाहिए। उसके घर में लोहे की बनी हुई उसके पूर्वजों की एक तराजू थी। उसको वह किसी सेठ के घर में रख करके दूसरे देश को चला जाता है। लंबे समय के बाद वह इच्छानुसार दूसरे देश में भ्रमण करके अपने नगर को वापस आता है और सेठ से कहता है, अरे सेठ, मेरे द्वारा जो तराजू आपको दी गई थी वह मुझे दीजिए। सेठ बोलता है, नहीं है, वह तुम्हारी जो तराजू थी उसको तो चूहों ने खा लिया। जीर्ण धन कहता है, अरे सेठ जी, आपका दोष नहीं है, यदि चूहों ने खा लिया तो। इस प्रकार यह संसार ऐसा ही है, यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है। परंतु मुझे नदी में स्नान करने जाना है, अतः आप अपने प्रिय पुत्र धनदेव को मेरे साथ स्नान के उपकरण सामग्री आदि लेकर भेज दो। वह सेठ अपने बेटे से कहता है कि पुत्र, ये तुम्हारे चाचा है, स्नान के लिए जा रहे हैं, तुम इनके साथ जाओ। इसके बाद सेठ का पुत्र धनदेव स्नान के उपकरण आदि लेकर प्रसन्न मन से उस अतिथि के साथ प्रस्थान करता है। इसके पश्चात जीर्ण धन स्नान करके और उस सेठ के बेटे को पहाड़ की एक गुफा में छिपा करके उसके द्वार पर बहुत बड़ा पत्थर लगाकर वह शीघ्र ही वापस सेठ के पास घर को आ जाता है। वह सेठ पूछता है, अरे हो अतिथि, कहो मेरा बेटा कहाँ है जो तुम्हारे साथ नदी में गया था। जीर्ण धन कहता है, अरे सेठ जी, क्या बताऊँ, आपका पुत्र नदी के तट पर ही था और वहाँ से उसे एक बाज उठाकर ले गया। सेठ कहता है, झूठ बोल रहे हो, क्या कोई बाज बच्चे को उठा सकता है? तो मेरा पुत्र मुझे लौटा दो, नहीं तो मैं राजा के पास जाकर निवेदन करूं। वह कहता है, अरे सत्यवादी, जैसे बाज बालक को नहीं ले जा सकता, वैसे ही चूहे भी लोहे से बनी हुई तराजू को नहीं खा सकते। सेठ जी, तो दीजिए मेरी तुला, मेरी तराजू, अगर आपको अपना बालक चाहिए तो। इस प्रकार विवाद करते हुए दोनों राज दरबार में चले जाते हैं। वहां सेठ जोर से कहता है, अरे इस वणिक पुत्र ने मुझे ठक लिया है, बहुत बुरा किया है, इस चोर के द्वारा मेरे पुत्र का अपहरण कर लिया गया है। धर्माधिकारी कहते हैं, अरे इस सेठ के पुत्र को लौटा दो। वणिक पुत्र बोलता है, जीर्ण धन, क्या करूं, मैंने देखा कि नदी के किनारे से बाज ने इसके बेटे को उठा लिया और उड़ गया। यह सुनकर के वे कहते हैं कि तुम सत्य नहीं कह रहे हो, क्या कोई बात बाज बालक को उठा सकता है? वह कहता है, अरे अरे मेरे वचन तो सुनिए आप, कि जिस प्रकार लोहे से बनी हुई तराजू को चूहे खा सकते हैं, उसी तरह एक बालक को भी बाज उड़ा कर ले जा सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है महाराज। महाराज पूछते हैं, ये कैसे हुआ? तब वह सेठ सभा के आगे सारी घटना बताता है। तभी न्यायाधीश खुश होते हैं, हंसते हैं और दोनों को समझा बुझाकर तराजू
और बच्चे का आदान प्रदान करवाते हैं और इस प्रकार सेठ को अपना पुत्र मिलता है और वणिक पुत्र जीर्ण धन को अपनी तराजू। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।